हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ मोनीश कुमार जैन, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नसरुल्लागंज। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की सेकेंड यूनिट हार्डवेयर एंड इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ। इसका हम लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर, बेसिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ DCE, DTE, UART, USRT पढ़ा था और साथ ही साथ हमने डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेस का RS-232C पढ़ा है। इस लेक्चर में हम USB के बारे में पढ़ेंगे। सो आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ USB। सो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज़ अ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सीरियल प्रोटोकॉल। ये कैसा प्रोटोकॉल है? ये एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सीरियल प्रोटोकॉल है जो कि 1984 में 7 कंपनियों के द्वारा बनाया गया था। 7 कंपनी कौन सी थी जो एक साथ आई थी? द कंपनी विच केम टुगेदर आर कॉम्पैक, नॉर्टेल, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, डिजिटल एंड NEC। इट हेल्प्स इन ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट, यूजुअली PC एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइस। सो USB का आर्किटेक्चर देख रहे हैं। USB प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड इट्स पेरिफेरल। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स क्या होते हैं? स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है हमारे को? USB प्रोटोकॉल। USB कंट्रोल किससे होगी? होस्ट से, होस्ट द्वारा कंट्रोल होगी। एड्रेसिंग ऑफ पोर्ट पेरिफेरल इज डन बाय 7-bit। हर पोर्ट को एक एड्रेस दिया जाता है और वो रिप्रेजेंट होगा 7-bit से। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी सपोर्टेड एट अ टाइम इज 127। वो कहाँ से आया? 2^7-1, दैट इज 128-1=127। एट वन टाइम ओनली वन डिवाइस इज सपोर्टेड बाय द पोर्ट। एक समय में एक पोर्ट में एक ही डिवाइस सपोर्ट होता है। होस्ट PC हैव लिमिटेड पोर्ट सो दे कैन सपोर्ट ओनली लिमिटेड पेरिफेरल। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस USB हब इज यूज्ड। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हमारे PC में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पोर्ट रहते हैं। पेन ड्राइव के लिए एक पोर्ट में आप माउस लगा सकते हो, कीबोर्ड लगा सकते हो। सो लिमिटेड पोर्ट्स रहते हैं जिसे हम USB हब का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं। सो कैसे बढ़ेगा? जैसे जो हमारा होस्ट PC है उससे हमने एक हब 1 लिया, हब 1 से 2 पेरिफेरल डिवाइस जोड़ लिए, उस हब 1 से हमने हब 2 ले लिए, हब 2 से हब 3, हब 4 और फिर इनकी फर्दर ब्रांचेस से हमने पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ लिया है। तो हम मैक्सिमम कितने पेरिफेरल डिवाइस जोड़ सकते हैं? हम टोटल एट अ टाइम 127 पेरिफेरल डिवाइस किसी होस्ट से जोड़ सकते हैं। सो USB की कितनी स्पीड होती है ऑपरेटिंग? तो USB में काफ़ी अपग्रेडेशन आ गया है। USB 1.0 लो स्पीड में था पहले, फिर USB 1.0 हाई स्पीड पे आया, फुल स्पीड पे आया, फिर USB 2.0 आया, फिर 3.0, 3.1, 3.2 एंड 4। जैसे 2 हो जाएगा हमारा हाई स्पीड, 3 हो जाएगा सुपर स्पीड, 3.1 ये सब सुपर स्पीड प्लस है। सो लो स्पीड में हमारा कितनी स्पीड आती है? 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड, जिसमें हम माउस चला सकते हैं। फिर फुल स्पीड आया, फुल स्पीड 12 मेगाबिट्स पर सेकंड है, जिसमें हम स्कैनर, प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। फिर USB 3 आया, USB 2.0 आया हाई स्पीड, जिसमें 480 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड मिल रही थी, जिसे हम ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ कर रहे थे। फिर USB 3 आया सुपर स्पीड, 5 गीगाबिट्स पर सेकंड, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। इसके ऊपर सब रियल टाइम डेटा का स्ट्रीम होने लगा था। 3.1 जो है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक स्पीड प्रोवाइड कर रहा था। USB 4 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक स्पीड प्रोवाइड करता है। तो USB के क्या एडवांटेज है? सो USB का सबसे बड़ा एडवांटेज है हॉट प्लगेबल। इससे आप क्या समझते हो? नो नीड टू टर्न ऑफ और रीस्टार्ट होस्ट, वी कैन डायरेक्टली प्लग इन द पोर्ट
इफ ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड दे आर रिक्वायर्ड ओनली वंस एंड देन कैन बी यूज्ड ऑल द टाइम्स। जैसे कि हम किसी पीसी में कभी पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो हमें बार बार कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं करना, हम डायरेक्टली उसे पीसी को बिना रीस्टार्ट किए हम अपनी यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभार मान लो किसी पेरिफेरल डिवाइस के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है तो वो सिर्फ पहले और सिर्फ एक बार करना होगा, उसके बाद हमारा होस्ट उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सो दूसरा एडवांटेज है लो कॉस्ट डिवाइसेस, इनका प्रोडक्शन हाई रेंज में होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है डिवाइस की। लो पावर कंजम्पशन, मोस्ट ऑफ द डिवाइस रिक्वायर नो पावर एंड करेंट वेरीज फ्रॉम 100 मिली एम्पियर टू 500 मिली एम्पियर। पेरिफेरल डिवाइसेस यूएसबी पोर्ट के थ्रू केवल 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर के बीच काम करते हैं, इनमें रोबस्ट एरर टेक्निक्स भी होती है। यूएसबी डिसएडवांटेज, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है ये, हार्डवेयर प्रॉब्लम विद पेरिफेरल डिवाइसेस, कुछ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर इश्यूज आते हैं। यूएसबी सिग्नलिंग, देयर आर टू यूएसबी स्टैंडर्ड, यूएसबी स्टैंडर्ड ए एंड यूएसबी स्टैंडर्ड बी। स्टैंडर्ड ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ डेटा पिंस डी प्लस एंड डी माइनस फॉर डिफरेंशियल डेटा ट्रांसमिशन एंड पावर पिन प्लस एंड माइनस वेयर प्लस से 5 वोल्ट और एंड माइनस इज ग्राउंड। सो यूएसबी के दो स्टैंडर्ड हैं, यूएसबी ए स्टैंडर्ड ए एंड यूएसबी स्टैंडर्ड बी। जैसे कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं दो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ए एंड स्टैंडर्ड बी। इसमें दो पिन है डी प्लस एंड डी माइनस। डी प्लस और डी माइनस से हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल डेटा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटिंग सिग्नल। हम डिफरेंशियली सिग्नल क्यों भेजते हैं, क्योंकि हमारा SNR बढ़ जाता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। पावर पिंस आर लार्जर कंपेयर टू डेटा पिंस एज इट गेट फर्स्ट कनेक्टेड टू द होस्ट। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पावर पिन है आप देख रहे हैं 1 और 4, इनकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये पोर्ट जो है, ये जो पिंस है, ये होस्ट से पहले कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को पावर मिल जाएगा और 2 और 3 से डिफरेंशियल डेटा का ट्रांसमिशन हो जाएगा। यूएसबी ट्रांसफर मोड, यूएसबी 4 प्रकार के ट्रांसफर मोड होते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन सेटअप एंड कमांड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द होस्ट। ये क्या करता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप और कमांड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है डिवाइस और होस्ट के बीच में। होस्ट कैन ऑल्सो सेंड कमांड और क्यूरी पैरामीटर विद द कंट्रोल पैकेट। होस्ट कंट्रोल पैकेट के साथ कमांड और क्यूरी पैरामीटर्स भी भेज सकता है। दूसरा होता है बल्क ट्रांसफ़र, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सीक्वेंशियली इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स विथ नो टाइम लिमिट विथ डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। इसमें क्या होगा कि होस्ट पेरिफेरल डिवाइस को डेटा भेज देगा, अब उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, जैसे प्रिंटर को भेज दिया कि आपको प्रिंट करना है तो वो होल्ड पे रहेगा या फिर सीक्वेंशियली वो मतलब लगा रहेगा। आइसोक्रोनस ट्रांसफर में क्या होगा, इन दिस ट्रांसफर अकर्स विद इन टाइम विद डिवाइसेस सच एज स्पीकर एंड वीडियो कैमरा। जहाँ हमें पेरिफेरल में अगर स्पीकर लगाए तो हम चाहेंगे कि वहाँ कोई डिले ना हो, जो हम सुनना चाह रहे हैं वही सुने जाए, तो जहाँ टाइम लिमिट होती है वहाँ आइसोक्रोनस ट्रांसफर होता है और जहाँ टाइम लिमिट नहीं है वहाँ क्या होता है, बल्क ट्रांसफर। इसके बाद होता है इंटरप्ट ट्रांसफर, इट इज़ यूज्ड पेरिफेरल डिवाइस विच नीड इमीडिएट अटेंशन सच एज माउस एंड कीबोर्ड। कई पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिन्हें इमीडिएट अटेंशन चाहिए, अगर मैं कीबोर्ड से कोई इनपुट दे रहा हूँ तो वो तुरंत ही होस्ट को डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के ट्रांसफ़र मोड्स हैं। सबसे पहला कंट्रोल ट्रांसफ़र, जहाँ पे एक्सचेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन सेटअप और कमांड इन्फॉर्मेशन बिटवीन होस्ट एंड डिवाइसेस।
फिर होता है एक बल्क ट्रांसफर जहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, एक होता है आइसोक्रोनस जहाँ टाइम लिमिट है, और इंटरप्ट ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे हमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए होस्ट का टुवर्ड्स द पेरिफेरल। यूएसबी डेटा पैकेट्स, जैसे यूएसबी ट्रांसफर मोड चार टाइप के हैं, वैसे ही यूएसबी डेटा पैकेट्स भी चार टाइप के होते हैं। विद इन द यूएसबी सिस्टम देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पैकेट्स, ईच यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। सबसे पहला हो गया टोकन पैकेट्स, द होस्ट इनिशिएट्स ऑल ट्रांजेक्शन्स, द फर्स्ट पैकेट ऑल्सो कॉल्ड अ टोकन इज जनरेटेड बाई द होस्ट टू डिस्क्राइब वॉट इज टू फॉलो एंड वेदर द डेटा ट्रांजेक्शन विल बी अ रीड और राइट एंड वॉट द डिवाइस एड्रेस एंड डेजिग्नेटेड एंड पॉइंट इज। होस्ट क्या करेगा, इनिशिएट्स ऑल ट्रांजेक्शन, होस्ट है जो सारे ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करता है, और जो सबसे पहला पैकेट होता है जो कि होस्ट के द्वारा जनरेट होता है वो हमें ये बताता है कि वॉट इज़ टू फॉलो एंड वेदर द डेटा ट्रांजेक्शन विल बी रीड और राइट। क्या हम उस पेरिफेरल डिवाइस से रीड कर रहे हैं कि राइट कर रहे हैं, उस पेरिफेरल डिवाइस का एड्रेस क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ये सब डिटेल्स हमें टोकन पैकेट से पता चलती है। फिर उसके बाद होता है डेटा पैकेट्स, द यूएसबी डेटा पैकेट्स कैरी द पेलोड डेटा कैरिंग डेटा एज रिक्वायर्ड। टोकन पैकेट ने तो हमें ये जानकारी दे दी कि हमें रीड करना है, राइट करना है, पेरिफेरल डिवाइस का एड्रेस क्या है, उसके बाद डेटा पैकेट्स के थ्रू डेटा का ट्रांसफर होगा। सो डेटा पैकेट्स क्या करता है, डेटा को कैरी करता है। तीसरा है हमारा हैंडशेक पैकेट्स, द हैंडशेक पैकेट्स आर यूज्ड एक्नॉलेजिंग डेटा पैकेट्स रिसीव्ड और फॉर रिपोर्टिंग एरर। हैंडशेकिंग पैकेट्स भेजे जाते हैं कि हमें ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि डेटा पैकेट्स प्रॉपरली रिसीव हो रहे हैं कि नहीं, या तो कोई एरर तो नहीं है। स्टार्ट ऑफ फ्रेम पैकेट, द स्टार्ट ऑफ फ्रेम पैकेट्स यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फ्रेम ऑफ अ डेटा। कहीं दूसरा फ्रेम ऑफ डेटा तो नहीं भेज रहे हम, जैसे ही हमारा एक डेटा का ट्रांसफर हो गया और अगले डेटा के ट्रांसफर के लिए हम वापस से स्टार्ट ऑफ फ्रेम पैकेट भेजेंगे, उसके बाद नया डेटा भेजते हैं। तो ये चार प्रकार के डेटा पैकेट्स हैं, टोकन पैकेट्स, डेटा पैकेट्स, हैंडशेक पैकेट्स, स्टार्ट ऑफ फ्रेम पैकेट्स। डेटा हार्डवेयर इंटरफेसेस हमने दो पढ़े, एक है RS-232 और USB, इनमें अंतर क्या है। Nowadays RS-232 has been replaced by the universal serial bus, that is USB. This replacement took place because first of all RS-232 has many pins. Apart from its physical smartness there are other disadvantages too. हमने देखा था कि RS-232 को DTE और DCE के बीच कनेक्ट करने के लिए DB कनेक्टर की आवश्यकता होती है, या तो वो 9 पिन का होता है या 25 पिन का होता है, तो उसमें पिन्स भी बहुत ज़्यादा है। सो, एक तो ये उसका ड्रॉबैक है। दूसरे ड्रॉबैक्स है अवेलेबिलिटी, द USB पोर्ट ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज आर यूजुअली प्रेजेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। ऑन द अदर हैंड RS-232 पोर्ट्स आर टू बल्की एंड कवर मोर स्पेस देन द USB, विच मेक्स इट वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड। बट USB पोर्ट्स आर कॉस्टली, USB पोर्ट्स छोटे होते हैं पर वो महंगे हैं, पर RS-232 की जगह बल्की नहीं होते, इतनी ज़्यादा पिन नहीं लगती उसमें, और कॉम्पैक्ट साइज होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में होस्ट में पाए जाते हैं या होस्ट उसे सपोर्ट करता है। दूसरा है कनेक्टिविटी, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ USB पोर्ट द नंबर ऑफ RS-232 पोर्ट अवेलेबल वॉज मैक्सिमम 2, क्योंकि बल्कि होते थे इसलिए RS-232 पोर्ट किसी भी होस्ट में मैक्सिमम 2 होते हैं। दिस लिमिट द नंबर ऑफ कनेक्शन, तो हम पेरिफेरल डिवाइस ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, वाइल
इन केस ऑफ यूएसबी इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 127 डिवाइस. हम यूएसबी हब का यूज करके पेरिफेरल डिवाइसेस 127 तक बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी यूएसबी आर्किटेक्चर में देखा था. RS-232 वर्सेस यूएसबी में तीसरा जो है पावर. द यूएसबी पोर्ट हैज़ अ इनबिल्ट पावर सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट अलोंग विद द सिग्नलिंग पिन्स. जो हमने अभी सिग्नलिंग पिन पढ़ी थी 1, 2, 3, 4, उसमें 2 और 3 तो हमारा डिफरेंशियल डेटा के लिए आता था और 1 और 4 पावर सप्लाई के लिए आता था. तो द डिवाइसेस नाउअडे यूटिलाइजेस 5 वोल्ट और लेस टू ऑपरेट, थस वन डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल कॉर्ड टू पावर देम. तो यूएसबी में एक्सटर्नली पावर सप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होस्ट से पावर ले लेता है. प्लग एंड प्ले द डिवाइसेस वर्किंग विथ द RS-232 पोर्ट हैज़ अ कमांड ट्रांसफर फेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग UART. द कंप्यूटर डज नॉट नो वॉट टाइप ऑफ डिवाइस इज बींग कनेक्टेड टू इट. द प्लग एंड प्ले फीचर सपोर्टेड इन USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर. मैंने बताया था कि USB क्या होती है, हॉट प्लगेबल. इसमें होस्ट को ना रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली पोर्ट पर डिवाइस लगा देते हैं जो कि होस्ट के द्वारा डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाता है. पर RS-232 में हमें UART के थ्रू पहले कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है. और USB में अगर कनेक्शन सेटअप के लिए एक बार ड्राइवर इंस्टॉल भी करना पड़ता है तो वो भी सिर्फ एक टाइम, बाद में डेटा हमेशा ट्रांसफ़र किया जा सकता है. पांचवा स्पीड. द स्पीड प्रोवाइडेड बाय RS-232 इज अप्रॉक्सीमेटली 10 Mbps फॉर इंटरनेट यूजेस. स्पीड जो है केवल 10 Mbps तक मिलती है RS-232 में, पर हमने देखा USB 2.0 में 480 Mbps की स्पीड आती है जो कि बहुत फास्ट है RS-232 से. अब तो USB के और भी अपग्रेडेशन आ गए 3, 4, 5, जहां हमें स्पीड Gbps में मिल रही है. सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ USB? USB प्राइमरी एक डिवाइस है जो कि हमारे होस्ट और पेरिफेरल को जोड़ता है. इन एडिशन टू डेटा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, डेटा ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन के अलावा USB केबल ऑल्सो कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट कैन बी यूज्ड टू पावर पेरिफेरल्स एंड मैनी मोबाइल फोन्स कैन बी चार्ज्ड थ्रू देयर USB पोर्ट. डेटा ट्रांसफ़र के अलावा हम ज़्यादातर ये देखते हैं, जैसे हम मोबाइल चार्ज भी कर लेते हैं USB पोर्ट का यूज़ करके, तो ये भी एक इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, चार्जिंग कैपेबिलिटी और डेटा ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस. दिस आर द टू बेसिक एप्लीकेशन ऑफ USB. समरी. इन दिस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस USB. इस लेक्चर में हमने USB के बारे में जाना, यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में, कि वह एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सीरियल प्रोटोकॉल है. इसके बाद हमने USB का आर्किटेक्चर देखा था कि वो कितने डिवाइसेस सपोर्ट करता है हब्स के थ्रू. USB की स्पीड देखी थी, USB 1, USB 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इसके बाद हमने एडवांटेज देखा था कि USB का क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है. फिर हमने USB की सिग्नलिंग देखी थी 1, 2, 3, 4 पिन से, यहाँ 1 और 4 पिन पावर के लिए होती थी और 2 और 3 डिफरेंशियल डेटा के लिए होती थी. उसके बाद हमने USB का 4 ट्रांसफर मोड पढ़े थे और 4 डेटा टाइप्स पढ़े थे. और फिर हमने ये देखा था कि USB क्यों बेटर है RS-232 से. और लास्ट में हमने एप्लीकेशन देखी थी जहाँ हमने उसकी डेटा ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी और चार्जिंग कैपेबिलिटी देखी थी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी डेटा मॉडेम्स. दिस आर द फ्यू रेफरेंसेस जो कि मैंने यूज़ किए थे इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए. मैं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट इन सभी लिंक के थ्रू गो थ्रू करें ताकि वो USB को और अच्छे से समझ सकें. थैंक यू.